देश में बढ़ा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 1649 लोगों में संक्रमण। कोरोना से देश में अब तक 41 लोगों की मौत, 24 घंटे में वायरस ने 3 लोगों की ली जान। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहरा, अब तक 17 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कल 7 लोगों की कोरोना से मौत, सिर्फ मुंबई में 5 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई के स्लम इलाके धारावी में रहने वाले एक शख्स की मौत, स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 335 मामले, मुंबई में 181 लोग कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के आंकड़ों में एक बात बेहद खतरनाक, 12% मरीजों को संक्रमण किससे हुआ है ये पता नहीं। हालात को लेकर पीएम ने उद्धव ठाकरे से की बात। जयपुर में 30 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, ड्रोन से की जा रही है संवेदनशील इलाकों की निगरानी। दिल्ली में 150 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि, 24 घंटे में सामने आए 32 नए मामले। सिरसा में कोरोना के 3 केस मिले पॉजिटिव, महिला और 2 बच्चे आए थे चंडीगढ़ से। कोरोना संकट के बीच नोएडा में एक और बड़ा बदलाव, डीएम के बाद गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ अनुराग भार्गव का तबादला। गौतम बुद्ध नगर के नए सीएमओ होंगे डॉक्टर एपी चतुर्वेदी, नोएडा में कोरोना के बढ़े मामले से बड़ी चुनौती। यूपी के गोरखपुर में कोरोना वायरस से एक युवक की गई जान, मौत के बाद रिपोर्ट में पुष्टि। सामान्य वार्ड में चल रहा था मरीज का इलाज, वार्ड के दूसरे मरीज, रिश्तेदार, डॉक्टर, कर्मचारी और एम्बुलेंस ड्राइवर को भेजा गया आइसोलेशन में। दिल्ली के 12 हिंदूराव अस्पताल में कुछ डॉक्टर और नर्सों ने दिया इस्तीफा, सुविधाओं की कमी का हवाला। ओडिशा में 60 साल का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव, ओडिशा में कोरोना का 5वां मरीज। असम के गोलपारा में सामने आए कोरोना के 3 मामले, असम में अब तक 16 कोरोना के मरीज। तेलंगाना में कोरोना के 12 नए मामले, एक शख्स की मौत। मरीज की मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर पर रिश्तेदारों ने किया हमला, मृतक का भाई भी है कोरोना पॉजिटिव। हरदोई में जिला अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर पर महिला ने किया हंगामा, दिल्ली से लौटने पर उसे रोक लिया, पति और बच्चे को घर भेजा। इंदौर में कोरोना की जांच के लिए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला, बुजुर्ग महिला को ले जाने का विरोध। स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस पर पथराव, पुलिस ने दर्ज किया केस। इंदौर में महाराजा यशवंत राव अस्पताल के डॉक्टर निकली कोरोना पॉजिटिव, 20 डॉक्टर्स के संपर्क में आने की जानकारी। संपर्क में आने वाले डॉक्टर्स के लिए जा रहे हैं सैंपल, मरीजों की बनाई जा रही है लिस्ट। इंदौर में कोरोना के 12 नए मामले, शहर में अब 76 लोग कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 99 केस, 6 लोगों की हो चुकी है मौत। जोधपुर में एक स्थानीय शख्स कोरोना पॉजिटिव, शहर में लगाया गया कर्फ्यू। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव केस मिला, तबलीगी जमात का सदस्य। लॉकडाउन के बीच भुवनेश्वर में बदली गए सब्जी बाजार की जगह, लोगों की जुटी भीड़। कोलकाता पुलिस ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में लगाया रक्तदान शिविर, सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद। मरकज प्रमुख मौलाना साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं, कई शहरों में पड़ताल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है तलाश, मौलाना के 6 साथी भी निशाने पर। तबलीगी जमात के आयोजकों पर कसा कानूनी शिकंजा, मौलाना साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकज में आए विदेशी जमातियों को लेकर केंद्र ने राज्य को दिया निर्देश, पहली फ्लाइट से वापस भेजने की हिदायत। मरकज को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन, ड्रोन से आसपास के इलाके पर रखी जा रही है कड़ी नजर। रांची की मस्जिदों में दिन भर ताबड़तोड़ खोजबीन, 24 विदेशियों को भेजा आइसोलेशन में। खड़गपुर में मरकज में शामिल होने वाले 9 लोगों की पहचान, इनमें से 7 इंडोनेशिया के। यूपी के महाराजगंज में 21 जमातियों की पहचान, अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ती। कोरोना की 4 मस्जिदों में मिले दूसरे जिलों से आए 50 जमाती, सबकी होगी मेडिकल जांच। मुरादाबाद में 5 जगहों पर मिले 27 जमाती, इनमें से 16 दिल्ली वाले मरकज में हुए थे शामिल। जयपुर में तबलीगी जमात के 41 लोगों की रहने की सूचना, सभी की हो रही है स्क्रीनिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने मदरसे और मस्जिदों में की छापेमारी, जमातियों की तलाश। पुलिस को नहीं मिला कोई जमाती, मदरसे में मिले 10 यतीम बच्चे, चेतावनी देकर लौटी पुलिस। समस्तीपुर में निजामुद्दीन से आए अब तक 14 लोग मिले, क्वारंटीन किया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 22 जमातियों को प्रशासन ने भेजा क्वारंटीन पर, दिल्ली मरकज से नहीं है कोई कनेक्शन।
निजामुद्दीन मरकज के 5 जमाती मिले वाराणसी में, पुलिस ने भेजा जांच के लिए अस्पताल। झारखंड के सिंहभूम में तबलीगी जमात के 34 लोग पकड़े गए, पूरे इलाके में दहशत। तमिलनाडु में अचानक बड़े कोरोना के 110 मरीज, दिल्ली के मरकज से लौटे थे ज्यादातर लोग, सूबे में 234 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में सामने आए 87 नए मामले, निजामुद्दीन के मरकज से लौटे थे 64 लोग। हरदोई के मदरसे में हिरासत में ले गए 11 लोग, दिल्ली के मरकज से लौटने के बाद बनाया गया था ठिकाना। दिल्ली में मजनू का टीला गुरुद्वारे में लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे 200 लोग, इन्हें पास के स्कूल में किया गया शिफ्ट। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सब लोग पंजाब के 10 दिन से यहीं रहने को मजबूर। अयोध्या में राम जन्मोत्सव को लेकर संतों की अपील, लोग अपने घरों में ही करें पूजा पाठ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा परंपरागत तरीके से होगी पूजा, मौजूद होंगे सिर्फ 12 बड़े संत। इतिहास में पहली बार भक्तों के बिना साईं बाबा मंदिर में श्री राम नवमी उत्सव की शुरुआत, ट्रस्ट के कुछ अधिकारी शामिल। होशियारपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की सेहत दुरुस्त, इटली से आने के बाद बीमार हुए थे गुरदीप सिंह। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस अधिकारी की पत्नी की पहल, पुलिस विभाग के लिए बनाए होम मेड सैनिटाइजर और हैंड वॉश। यूपी के सिद्धार्थनगर में 3 महीने के मुफ्त राशन देने में कटौती, डीलर गिरफ्तार। दिल्ली में एनजीओ के साथ महिलाएं जुटी अभियान में, दुकानों और सड़कों की सफाई। महाराष्ट्र के अकोला में ढाबा मालिक की दरिया दिली, हाईवे पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स को दे रहे हैं मुफ्त खाना। होशियारपुर में कोरोना को लेकर पुलिस ने निकाला म्यूजिकल फ्लैग मार्च, एसडीएम और डीएसपी भी शामिल। वाराणसी में कोरोना पर काबू पाने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम, सीसीटीवी से शहर की निगरानी। गया में सफाई कर्मियों का स्वागत, लोगों ने मालाएं पहनाकर किया सम्मान। यूपी के लखीमपुर खीरी में एम्बुलेंस और नर्सिंग स्टाफ पर फूलों की बारिश, गंभीर महामारी के वक्त समाज सेवा का सम्मान। बिहार के मधुबनी में मुखिया जी बांट रहे हैं साबुन और सैनिटाइजर, लोगों को दिया गया मास्क। गुरुग्राम में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 9 मरीज हुए ठीक, सभी को भेजा गया घर। गाजियाबाद में 93 साल के एक शख्स की मौत, पुलिस की मदद से बेटी ने किया अंतिम संस्कार, परिवार को राशन की मदद। जालंधर में आईटीबीपी के जवानों की पहल, रास्ते में फंसे 300 लोगों को खिलाया खाना। झांसी में सफाई कर्मियों को किया गया जागरूक और सम्मानित, महिला एसआई ने सुनाया गाना। लखनऊ में मिड डे मील देने वाली ये संस्था अक्षय पात्र की बड़ी पहल, झुंगियों में रहने वाले 25,000 मजदूरों के लिए रोज बन रहा खाना। दिल्ली के स्कूलों में ठहराए गए विस्थापित मजदूर, परपड़गंज के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 145 लोगों का डेरा। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस की झड़प, कई पुलिस वाले घायल। चंडीगढ़ की बंगला कॉलोनी की एक महिला के सड़क पर गिरने की खबर पर पहुंची पुलिस, कॉलोनी के लोगों ने पुलिस दल पर किया हमला। यूपी के मैनपुरी में बाहर से आए लोगों की लिस्ट बनाने को लेकर बवाल, फायरिंग में लिस्ट बना रहे युवक की भाभी की मौत। बिहार के गोपालगंज में बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए बनाया कैंप, गेट खोलकर भाग रहे लोग। रायपुर में शराब नहीं मिलने पर कुछ लोगों ने स्पिरिट पी लिया, 2 लोगों की मौत। जौनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 8 लोगों पर केस दर्ज। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के एक मरीज स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी। जमुई में आदिवासी इलाकों में पुलिस ने पहुंचाया राशन, कई घरों में नहीं जल रहा था चूल्हा। रामपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी, फरार हुए बदमाश। मुंगेर में दिल दहलाने वाला हादसा, पिता ने घर से बाहर निकलने से रोका तो बेटे ने फांसी लगाकर दी जान। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान पसरा सन्नाटा, गायब हुई डल झील और हाउस बोट की रौनक। झारखंड के गढ़वा में सब्जी मार्केट में जुटी भीड़ को हटाने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव, कई पुलिस वाले जख्मी। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक के कार्यक्रम में बवाल, राशन बंटवारे के दौरान मची भगदड़। दिल्ली के जहांगीरपुरी में राशन बांटने के दौरान बेकाबू हुए हालात, अर्धसैनिक बलों की लेनी पड़ी मदद। स्वास्थ्य कर्मियों को भी शिकार बना रहा है कोरोना, चंडीगढ़ की एक नर्स में वायरस का संक्रमण।
दिल्ली में हो सकती है जरूरी दवाओं की कमी, मजदूरों की कमी से सप्लाई पर पड़ सकता है असर। चंदौली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अनोखी सजा, साइकिल कंधे पर रखकर जाने का दिया निर्देश। दिल्ली सटे गाजियाबाद में पुलिस ने निकाला मार्च, लोगों को घर में रहने की सलाह। इंग्लैंड और फ्रांस में कोरोना से एक दिन में 500 से ज्यादा मौतें, संक्रमण रोकने के लिए जर्मनी ने 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का लिया फैसला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा 205 देशों में फैला कोरोना वायरस, दुनिया भर में दिल्ली कोरोना ने ली 45,000 से ज्यादा जाने। फ्रांस में किसानों की बड़ी मुश्किल, लॉकडाउन में बंद है ओपन मार्केट, सुपरमार्केट से महंगी सब्जियां और फल खरीदने को मजबूर लोग। ब्रिटेन के मैनचेस्टर इलाके के स्टॉकपोर्ट में एक शख्स ने धरा स्पाइडरमैन का गेटअप, लॉकडाउन में बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए बदला गेटअप। मशहूर वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर ने मास्क और वेंटिलेटर का प्रोडक्शन शुरू किया, 8 अप्रैल तक 20,000 मास्क तैयार करने का दावा। कोरोना के चलते इस साल की विंबलडन चैंपियनशिप रद्द, 9 बार की विंबलडन चैंपियन मार्टिना नवरात्रिलोवा ने इसे वक्त की जरूरत बताया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिली ने कॉपर से दोबारा यूज करने वाले मास्क का डिजाइन तैयार किया, वहां से स्वास्थ्य महकमे ने दी मंजूरी। करीब 25,000 रूसी नागरिक विदेशों में फंसे, कोरोना के चलते फिलहाल वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। 15 अप्रैल के बाद फ्रांस के कई हिस्सों में खुल सकता है लॉकडाउन, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा एक साथ नहीं धीरे धीरे हटेगा लॉकडाउन। फ्रांस में कोरोना से 4,000 लोगों की मौत, 6,000 से ज्यादा मरीजों की कंडीशन क्रिटिकल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।